जब स्टूडेंट लाइफ में मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत की थी, नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस की, तो मेरे पास स्टार्टिंग में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी वो ये आती थी कि लीड कैसे जनरेट करूं, किसको प्लान दिखाऊं, वो लिस्ट कैसे आएगी, क्योंकि स्टूडेंट के पास एक बहुत लिमिटेड सी लिस्ट रहती है, उसको तो बहुत गिने चुने लोग जानते हैं, और जो गिने चुने लोग जानते हैं वो ऐसे होते हैं जिनका परचेजिंग पावर नहीं होता। यानी कि एक स्टूडेंट का फ्रेंड कौन होगा, स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को जानने वाला कौन सा होगा, स्टूडेंट, और स्टूडेंट के पास पैसा कितना होता है, उसकी परचेजिंग पावर कितनी होती है, जीरो। तो मैंने ये इतना बड़ा बिजनेस कैसे बिल्ड किया, मैंने कैसे लीड जनरेट की, तो उसका बहुत बड़ा दोस्तों श्रेय जाता है सोशल मीडिया को। मैंने आज तक जितना भी बिजनेस बिल्ड किया उसमें 70-80% जो बिजनेस बिल्ड किया वो सोशल मीडिया को यूज़ करके किया है। सो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से यूज़ किया है, और इनको यूज़ कर करके आज बहुत बड़ा बिजनेस बना लिया। आज इनको यूज़ कर करके आज बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया आज हम खुद के घर में रह रहे हैं, रेंटल अकोमोडेशन से, रेंट के घर से खुद के घर में आए और गाड़ियाँ ली, बहुत बढ़िया बैंक बैलेंस क्रिएट किया फॉरन ट्रिप के, और उसका बहुत बड़ा श्रेय जो जाता है वो सोशल मीडिया को जाता है। नाउ आप कैसे सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं, या तो देखो एक फ्रेज है, या तो सोशल मीडिया आपको यूज़ करेगा या आप उसको यूज़ करेंगे। तो आप सोशल मीडिया को यूज करके बड़ा बिजनेस कैसे बना सकते हैं, तो मैं आज ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, सटीक पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट से आपका बिजनेस उठे, जिस पॉइंट्स को यूज करके आप एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड करें, जो कि बड़ा नेटवर्क आपको बड़ा टर्नओवर देगा और वो बड़ा टर्नओवर आपको बड़ा पैसा देगा। सिंपल, नेटवर्क मार्केटिंग इज नथिंग, नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक नेटवर्क क्रिएट करना है, वो नेटवर्क कुछ सामान परचेज करता है, उससे होता है एक टर्नओवर, उस टर्नओवर के बेस पे आपको कुछ पैसा मिलता है, सिंपल। नाउ वो टर्नओवर क्रिएट करने के लिए जो नेटवर्क चाहिए वो कहां से आएगा, दैट्स अ क्वेश्चन, अगर आपके पास लीड्स नहीं है। तो हम चलते हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ जहां पर पूरा इंडिया बैठा है, जिसको हम कहते हैं सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया में भी सबसे बड़ी वेबसाइट, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जिसे हम कहते हैं फेसबुक। आज हो सकता है आप यूट्यूब ना चलाते हो सकता है आप यूट्यूबर नहीं है, लेकिन आप फेसबुक तो जरूर चलाते हैं, हो सकता है आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते होंगे लेकिन आप फेसबुक तो जरूर चलाते हैं। सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर जो सबसे बड़ा यूजर का नेटवर्क है वो है फेसबुक के ऊपर, तो डायरेक्टली हम फेसबुक से ही अपना बिजनेस उठाएंगे, क्योंकि जब जनता है ही फेसबुक के पास ज्यादा, तो फेसबुक से ही हमें बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आप कैसे फेसबुक को यूज करके एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको कुछ एक स्क्रिप्ट बनानी है 5-10 मिनट की। सी, हम 2021 में हैं, 2021 में भारत में एक चीज की कमी नहीं है जिसे हम कहते हैं डेटा की, हमें इंटरनेट की कोई कमी नहीं है, हर किसी के पास 1.5-2 GB भर भर के इंटरनेट है। तो जब भर भर के इंटरनेट है तो आज के टाइम में वो टेक्स्ट मैसेज वाला, या हम बात करें व्हाट्सएप टेक्स्ट का जमाना खत्म है, ऑडियोज का जमाना खत्म है, पिक्चर का जमाना खत्म है, आज अगर किसी चीज का जमाना है उसे हम कहते हैं वीडियो मार्केटिंग का। आज डिजिटल मार्केटिंग में भी सबसे बड़ा शेयर अगर किसी चीज का है तो वो है वीडियो मार्केटिंग का। तो वीडियो मार्केटिंग प्लस फेसबुक, इसको हम कंबाइन करके एक जबरदस्त बिजनेस मॉडल तैयार करेंगे जिससे हमें लीड जनरेट होगी। सो क्या करना है, 5-10 मिनट की स्क्रिप्ट लिखनी है, कुछ भी जो कंफर्टेबल हो, जो अपलाइन के साथ बैठकर कुछ भी एक स्क्रिप्ट लिख लो, और उस स्क्रिप्ट में आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, तो हु इज योर फर्स्ट टारगेट ऑडियंस, तो वो है आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स, आपके जो नोन है, जो आपका सर्कल है, वो लोग। तो जो वीडियो बनानी है 5-10 मिनट की, उसमें जो स्क्रिप्ट यूज होगी वो ऐसे बनानी है जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करें, जैसे आप अपने रिलेटिव से बात कर रहे हैं। अब उस वीडियो में, वीडियो का पर्पस क्या है, उस वीडियो का सिंपल पर्पस ये है, आपने नेटवर्क मार्केटिंग क्यों शुरू किया भाई, आपको क्या अच्छा लगा नेटवर्क मार्केटिंग में, आपको इस कंपनी में क्या अच्छा लगा, आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपको क्या बढ़िया लगा, वो 5-10 मिनट में भर भर के इमोशंस के साथ उसमें एक्सप्लेन कर दो। अब चाहे उसको लाइव कर दो, अब मुझे पता है नए लोगों के लिए लाइव करना बहुत डिफिकल्ट रहता है कि कई बार गलतियां कर देते हैं, तो रिकॉर्डेड वीडियो डालिए फेसबुक पर, उसको पोस्ट कर दीजिए 5-10 मिनट में। जैसे आप मेरे फ्रेंड्स हैं तो मैं बता दूंगा, यार मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस इसलिए शुरू किया, मेरे सपने बहुत बड़े थे, मार्केट के हालात बहुत बुरे हैं, जॉब में मुझे पता है मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते हैं, जॉब एक लिमिटेड 10-15-20 हज़ार 25 हज़ार 50 हज़ार की मिल जाती, लेकिन मुझे लाखों रुपया कमाना था, एक नंबर से कमाना था, वाइट मनी कमाना था, और मुझे एक सिक्योर प्लेटफॉर्म चाहिए था, दैट इज वाई मैंने ये बिजनेस को स्टार्ट किया। तो ऐसे कुछ भी, मुझे पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, उसके रिजल्ट मिले, कुछ रियल टेस्टिमोनियल शेयर कर दीजिए 5-10 मिनट में, एक वीडियो मार्केटिंग थ्रू एक वीडियो बनाइए, उसको फेसबुक पे पोस्ट कर दीजिए। अब आता है मजा, अब क्या करना है, उसको टैग करना है, उसको शेयर करना है अपने हर एक फ्रेंड को,
उसको मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए दबाकर, और देखिए फेसबुक पे नीचे जो आपकी वीडियोस के नीचे कमेंट्स कितने आ रहे हैं, लाइक कितने कर रहे हैं। अब जितने लोग लाइक कर रहे हैं उनका एक पेपर के ऊपर नाम लिख लीजिए। अब आपका अगर बिल्कुल फ्रेशर हैं, आप बिल्कुल नए हैं, तो अगर आपने अभी अभी नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस शुरू किया है तो हो सकता है कि आपके फेसबुक अकाउंट पे कोई इधर उधर के लोग नहीं होंगे, सिर्फ आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स और आपके नॉन लोग ही होंगे। तो जो लाइक कर रहा है उसका लिस्ट बना लीजिए, कमेंट कर रहा है उसका लिस्ट बना लीजिए, उनका फोन नंबर आपके पास होगा, उनको डायरेक्टली कॉल कीजिए, हाँ मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस शुरू किया है, बहुत अच्छा बिजनेस है, आपके पास कुछ इसकी मिसकंसेप्शंस हैं, आप इसके बारे में कुछ गलत जानते हैं, मैं कुछ इसके बारे में बेटर जानता हूं, चलिए डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की है आप भी कर सकते हैं, आप भी बढ़िया बिजनेस बनाएंगे। तो ऐसे स्क्रिप्ट आपको उनके साथ टेलीकॉलिंग की भी आनी चाहिए, फोन कॉलिंग की भी आनी चाहिए, बाद में उनको इनवाइट कर लीजिए जूम मीटिंग पे या उनके घर चले जाइए और उनका बिजनेस स्टार्टअप करवा दीजिए, दैट्स इट। ऐसे आप एक लीड जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आज की डेट में बेवकूफ़ी क्या करते हैं, फेसबुक के ऊपर वो फोटो एडिट करके डालते हैं। अगर आज के तारीख में 2021 में भी आपको फोटो एडिट करके फेसबुक पे डाल रहे हो तो शायद आप 2021 में नहीं जी रहे, 2015 में जी रहे हो, तब हम सबके पास डेटा बड़ा लिमिटेड था, शायद आप उस जमाने में जी रहे हो। लेकिन अगर आप आज के जमाने में हो, लेटेस्ट हो, तो आपको फोटो मार्केटिंग से उठकर वीडियो मार्केटिंग के ऊपर आना चाहिए। रेडियो का जमाना खत्म है, न्यूज़पेपर का जमाना खत्म है, वीडियो मार्केटिंग का जमाना है। वीडियो मार्केटिंग फेसबुक के साथ आप प्लग इन कर दीजिए और देखिए, ये पहला टिप है जो मैं आपको सोशल मीडिया के ऊपर दे रहा हूँ, और इसको यूज़ कीजिए, भर भर के वीडियो मार्केटिंग कीजिए। मैं बहुत काफ़ी टाइम से वीडियो मार्केटिंग करता हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। वीडियो मार्केटिंग में सबसे बढ़िया बात पता क्या रहती है, आप अपने एक्सप्रेशन, अपना इमोशन एक्सप्लेन कर सकते हैं, फोटो में नहीं कर सकते, ऑडियो में नहीं इतना बेटर तरीके से कर सकते, लिख कर नहीं कर सकते, वीडियो मार्केटिंग में आप अपने एक्सप्रेशन शो कर सकते हो। सो वीडियो मार्केटिंग कीजिए और किसी भी टॉपिक के ऊपर बाद में रैंडमली फटाफट एक दो दिन के बाद आप फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू फेसबुक के ऊपर वीडियो डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए, फिर धीरे धीरे यूट्यूब के ऊपर वीडियो डालती जाइए, आपकी एक प्रेजेंस बन जाएगी। जब 2-4-5 महीनों में लोग आपको जानना शुरू कर देंगे, तो एक चीज़ मैं बताऊँ, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना तो सबसे पहले नाम बनाना पड़ता है, बिना नाम बनाए पैसा नहीं बना सकते, पहले तो नाम बनेगा। अगर आप सोचो पहले महीने से कमाई शुरू होगी, नहीं होगी, पहले तो आपको 5-6 महीने, 1 साल आपको आपका नाम बनाना है, ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करनी है, लोग आपको जानने चाहिए, लोग आपका नाम लेना चाहिए, लोग आपके शहर में आपको जानने चाहिए। धीरे 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 जब आपकी जान पहचान बढ़ जाएगी, आपके पास हर तरह का बंदा आपके साथ ज्वाइन होगा, खुद के ऊपर बहुत सारा काम करना है। तो ऐसे वीडियो मार्केटिंग के थ्रू आप बहुत अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छी लीड्स क्रिएट कर सकते हैं। सो ये बातें मैंने आपके साथ करनी थी, जो कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही, जिसको यूज़ करके मैंने बहुत अच्छा नेटवर्क क्रिएट किया, बहुत अच्छे पैसे बना रहा हूँ। और दोस्तों, ये जो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ ये आपके साथ भी हो। सो वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में उस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आप इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एजुकेटेड वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद।